हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता और हम लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का, जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने जो है रिफ्लेक्शन पढ़ लिया पूरा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, हमने लेंस क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया। आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड होगा वो होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस इमेज कैसे बनाते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन होती है लेंसेज की वो कैसे होती है, इस बात को आज हम सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, लेंस क्या होते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कैसे बनाया जाता है। दो ग्लास लेते हैं और दोनों ग्लास के कर्व्स को क्या करते हैं, मिला करके हम अपने लेंसेज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, सबसे पहले इसको समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, अगर आपने रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा तो पहले जाके उसको पढ़िए, लेंसेस क्या होते हैं उसको समझिए, वाले लेक्चर्स को अटेंड करिए, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो लेंसेज इमेज कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। अगर बात करते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफ टू और ये हो गया टू एफ और ये हो गया हमारा एफ वन और ये हो गया टू एफ। देखिए एफ वन और एफ टू क्या है, क्योंकि दो सर्फेसिस हैं तो दो फोकस होंगे, सर्फेस दो है ना, हर एक सर्फेस स्फेयर का हिस्सा है, तो दो सर्फेस यानी दो स्फेयर मतलब दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो इस वाली सरफेस के लिए होगा और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो इस वाली सरफेस के लिए होगा। ठीक है, तो ये पहली सरफेस है, तो पहली सरफेस का जो फोकस होगा वो F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 और जो दूसरी सरफेस होगी, दूसरी सरफेस का जो फोकस वो F2 और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो 2F2। मैं ऐसे नेमिंग करता हूं F1 F2 की। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिएगा, अब हम बात करते हैं अलग अलग केसेस की, जब लाइट इंफिनिटी से आएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से होते हुए आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो कितना रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा या लाइट लाइन से पढ़ने के बाद कहां से पास करेगी, इस चीज को हम समझते हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं, अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाली लाइन को, वो लाइन जिस पे ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करते हैं उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आएगी वो कहां से पास करेगी, वो बिल्कुल फोकस से पास करेगी, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, वो लेंस सरफेस पर पड़ने के बाद कहां से पास होगी, जब लेंस से निकलेगी तो वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। अच्छा अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर लाइट फोकस से होते लेंस पर पड़ेगी, अगर लाइट फोकस से होते लेंस पर ऐसे पड़ रही है तो क्या होगा, तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट फोकस से होते हुए सरफेस पे पड़े यानी लेंस पे पड़े, लेंस की सरफेस पे पड़े, तो लेंस पे पड़ने के बाद वो लाइट रे क्या हो जाएगी, वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट फोकस से होते हुए कॉन्वेक्स लेंस पर पड़े तो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ने के बाद वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अभी पहले क्या देखा था, अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो लेंस से पड़ने के बाद फोकस से पास करेगी, तो इसका वाइस वर्सा कि अगर लाइट फोकस से होते हुए लेंस पे पड़ रही है तो लेंस पे पड़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा ये दूसरा केस हो गया हमारा। तीसरे केस की बात करते हैं, तीसरे केस में क्या है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लेंस पे पड़े, मान लेते लाइट जो फॉल कर रही है लेंस पर वो ऑप्टिकल सेंटर पर कर रही है, तो क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो सेम डायरेक्शन को प्रोसीड करेगी और स्ट्रेट निकल जाएगी। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल कर रही है, अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट फॉल कर रही है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो लाइट बिना रिफ्रैक्ट किए सीधे सीधे बिल्कुल निकल जाएगी, बेंडिंग नहीं होगी लाइट। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है, पहला क्या था, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, लाइट फोकस से लेंस पर पड़ रही है तो क्या होगा, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल कर रही है तो क्या होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा कि लाइट जिस पॉइंट पर पड़ेगी वहां पर पड़ने के बाद उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इमेज कैसे कैसे बनती है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर मैं कोई लेंस लेता हूं,
कोई भी लेंस लेता हूं तो हर लेंस का फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये तो फिक्स है। तो अगर मैं लेंस को ऐसे होल्ड करके रखूं, सपोज दैट दिस इज अ लेंस और मैं लेंस को ऐसे होल्ड करके रखूं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं लेंस के फोकस पर खड़ा हूं? नहीं, लेंस जो है लेंस के फोकस पॉइंट पर खड़ा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा हूं, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हूं, या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़ा हूं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना, मैं कहीं पर भी लेंस के सामने मैं कहीं पर भी हो सकता हूं, डिपेंडिंग कि लेंस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और मैं कहां पर खड़ा हूं। मैं कहीं पर भी लेंस के सामने खड़ा हो सकता हूं, हो सकता हूं मैं लेंस के लिए इन्फिनिटी पर हूं, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। जैसे अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज करते हैं, बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा या अभी भी करते होगे, आप क्या करते होगे, सूरज की रोशनी में रख देते हो लेंस को और उसके नीचे पेपर लगा करके उसको जलाने की कोशिश करते हो। उस केस में जो आपने लेंस लिया अपने हाथ में और जो सन है, तो सन कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। लेंस के लिए सन बहुत दूर है, तो वहां पर कहां है, अब लेंस के लिए सन इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, तो सन की पोजीशन क्या है लेंस के रिस्पेक्ट में, इन्फिनिटी है। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट कहां पर भी हो सकता है, हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पर रखा, हो सकता है फोकस पर हो, नहीं या हो सकता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बहुत बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो अब हम यहां पर यही पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो उसकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक, ये ले लेता हूं, ठीक है, यहां रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पर रखा है। कहां रखा है, बियॉन्ड सी। अच्छा, 2F को ही सी कहते हैं। 2F को सी क्यों कहते हैं भैया? जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का मिड पॉइंट होता है, समझना। जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का मिड पॉइंट होता है। मान लेते हैं अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो एक तरीके से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का डबल है ना, इसको हम 2F नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर लेंस के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को, या बुक में आप देखोगे आप सी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सी नहीं लिख सकते, आप सी भी लिख सकते हो, लेकिन आप बुक वगैरह को देखोगे, एनसीईआरटी को देखोगे तो वहां 2F का यूज किया गया है, ठीक है। कोई चीज में रटने वाली नहीं है कि सर यहाँ 2F क्यों है, यहाँ सी क्यों नहीं लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां पर देखिएगा, अब हमें देखिए, हमने मिरर को जब पढ़ा था तो हमने वहां देखा था कि अगर हमें इमेज बनानी है, हमें क्या करना है, अगर इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट से कम दो रे निकलनी चाहिए, ऑब्जेक्ट से कम दो लाइट रे का निकलना जरूरी है, क्योंकि जहां पर लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद, वहीं पर इमेज बनती है। तो हमें कम से कम क्या चाहिए, हमें कम से कम दो लाइट रे चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, हम दो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकालते हैं, एक लाइट रे ये लिया जो कि पैरेलल है, जो कि क्या है, पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अभी हमने रूल्स में देखा कि अगर लाइट पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, तो होगा ये कि लाइट वो फोकस से पास करेगी, क्या होगा, लाइट फोकस से पास करेगी। अच्छा, एक रे तो हमने ले ली, मान लेते हैं दूसरी रे हम निकालते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, जो कि कहां से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से, तो जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो हमने अभी देखा कि ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट रे पास करेगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो लाइट होगी बिना रिफ्रैक्ट हुए कहां आएगी, बिल्कुल ही सीधे निकल जाएगी। तो अब यहां पर देखिए, ये लाइट दोनों ही रिफ्रैक्टेड लाइट है, दोनों ही क्या है, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड क्यों, क्योंकि वो एक मीडियम में ट्रेवल कर चुकी है और उनकी उनके पाथ में चेंज आ चुका है, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है हमारी। अब दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इस पॉइंट पर, ये वो पॉइंट। तो इमेज हमारी कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। यानी अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के सी से बियॉन्ड खड़ा होता है, मतलब मैं सी से पीछे हूं, कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मैं उससे भी पीछे खड़ा हूं, तो जो मेरी इमेज है, जो लेंस के उस तरफ मेरी इमेज बनेगी, वो कहां बनेगी, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बियॉन्ड सी। अच्छा, इमेज कहां बन रही है इसकी, इमेज इसकी कहां बन रही है, इसकी इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। अच्छा, सी लिखो या 2F लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, पोजीशन क्या है ये लिख दी, अब नेचर क्या है, नेचर का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है। तो याद करिए, रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज
कब बनती है? जब रिफ्रैक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट करे। यहां दोनों रिफ्रैक्टेड रे सचमुच में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां कैसी इमेज बनेगी? यहां बनेगी रियल इमेज, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट सीधा है और उसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज क्या होगा इमेज का? जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, बराबर बनेगी, क्या साइज होगी? तो अगर हम साइज की बात करें, अगर हम साइज की बात करें तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और उसकी इमेज छोटी सी बन रही, तो यहां पर जो इमेज बनेगी स्मॉल इन साइज होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी। स्मॉल इन साइज का मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी इमेज, जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। आप लिख सकते हो स्मॉलर इन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस था जहां पर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा था? बियॉन्ड 2f रखा था। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अब 2f पर रखा है, एग्जैक्टली 2f पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 2f पर रखा हुआ है। एक रे निकाली पैरेलल, पैरेलल दिख तो नहीं रही है, पैरेलल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक, ये एक पैरेलल रे निकाली ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट से निकल करके लेंस पर पड़ रही है। उसके बाद कहां होगा ये पैरेलल रे? कहां से पास करेगी? ये पैरेलल रे पास करेगी फोकस से। पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ठीक है। सेकेंड, एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके तो हमें पता है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब जो इमेज बन रही है वो हमारी कहां बन रही है? आप देख सकते हैं बिल्कुल 2f पर बन रही है। कहां बन रही है? बिल्कुल 2f पर बन रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर रखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी? उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अच्छा, यहां पर यह बात हो गई, और नेचर और उसका उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट 2f रखा है, 2f यानी सी। इमेज कहां बन रही है? इमेज भी एट 2f बन रही है, ठीक है। और नेचर क्या है? नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज क्या होगा? यहां पर देखिए, जब ऑब्जेक्ट को आप 2f पर रखते हैं तो उसकी इमेज जो बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर रखा होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? 2f पर ही बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों होगी? रिफ्रैक्टेड रे सचमुच में अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज रियल बनेगी, ठीक है। और इन्वर्टेड क्यों है? ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, इमेज उसकी इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रही है। जैसे आप देखो ना स्पून में, आप देखते हो, वैसे ये स्पून मिरर का एग्जांपल है, मैं यहां समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अगर आप स्पून में देखते हो एक साइड से, जब जो सरफेस ऐसी होती है स्पून की, अगर आप ऐसे देखते हो तो आपका चेहरा ऐसे आपको उल्टा दिखाई देता है उसमें, तो वो इन्वर्टेड इमेज होती, तो वैसी इमेज यहां बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। ठीक, अब यहां पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2f और f के बीच में रखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां रखा होगा? 2f और f के बीच में रखा होगा, तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आप इमेज देखिए क्या बनेगी। ऑब्जेक्ट की जो रेज निकली वो पैरेलल है, कहां से पास करेंगी? अब तो याद हो जाना चाहिए फोकस से, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट जो अगर रे पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर फॉल करेगी तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। अच्छा, यहां फोकस से नहीं हो रही पास, चलो अच्छा कराते हैं, फोकस से पास कराते हैं भाई, कराया फोकस से पास। अच्छा, अब एक रे हम लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ये इमेज कहां जा रही है भाई? यहां कहीं जा रही है, चलो अच्छा कहीं भी जाए, ये देखिए यहां पर, देखिए आप यहां पर अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा होता है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा होता है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है, 2f से पीछे बनती है। और देखिए कितनी बड़ी बन रही है साइज में,
बहुत बड़ी बन रही है ना, तो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन एफ एंड 2f रखा होगा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। नेचर क्या होगा भाई, नेचर इस केस में भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल। इन्वर्टेड क्यों, ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, इमेज उसकी उल्टी बन रही है, तो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इस केस में भी। साइज क्या होगा, देख के ही बता दो भाई, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, लार्ज या वेरी लार्ज, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा हो गया तीसरा केस। अब हम अगले केस की बात करते हैं। अगला केस जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, फोकस पर रखा हो, चलिए देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पर, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं ऐसे, ठीक है। एक अब एक रे निकालेंगे पैरेलल, ठीक है, कहां से पास होगी, बोलो, फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे हो कहां से पास करेगी, लेंस पर पड़ने के बाद लेंस के फोकस से पास करेगी। एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं ऐसे, तो ये बताओ बेटा ये रे कहीं इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ये दोनों रे आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये रिफ्रैक्टेड रे कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब क्या, इमेज नहीं बनेगी। तो एक्चुअली ऐसा है कि आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा इमेज कहीं बन रही है, बहुत दूर कहीं इमेज बन रही है, आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा इन्फिनिटी यानी बहुत दूर किसी पॉइंट पर जाकर इसकी इमेज बनेगी। कहां बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पर, कहीं बहुत दूर जाकर के इसकी इमेज आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो इस केस में ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पर रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है एट इन्फिनिटी, ये सिंबल है इन्फिनिटी का, एट इन्फिनिटी। अच्छा नेचर क्या होगा, नेचर इसका भी रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा सर, रियल क्यों होगा फिर। अच्छा रियल इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर की रेज आपस में मिलेंगी जरूर और आपको एक इमेज बना करके देंगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब इमेज इन्वर्टेड ही बनेगी। साइज क्या होगा, साइज होगा लार्ज, लार्जर इन साइज, बड़ी साइज में बनेगी, बड़ी इमेज बनते हुए आपको दिखाई देगी बहुत दूर कहीं पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी देखते हैं क्या होगा। एक रे पैरेलल निकाली, पैरेलल रे कहां जाएगी, फोकस से, फोकस से जा ही नहीं रही है तो सर, फोकस से जाएगी और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। अच्छा ये रे और जो ये देखिए ये रे पीछे ऐसे फैलती चली जाएगी तो यहां कहीं मिल जाए ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, तो इनको हम पीछे क्या करेंगे, पीछे बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे। यहां पर ड्रॉ, तो यहां पर ऐसे वर्चुअली आपको दिख रहा है किसी पॉइंट पर जाकर के ये इंटरसेक्शन होगा। देखो मैंने आपको ये ना कॉन्सेप्ट जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी बताया था, वर्चुअल इमेज बनती क्यों है भाई, जब रेज इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो इमेज बन क्यों रही है, इमेज तो इंटरसेक्शन से बनती है ना, और यहां पर सर आप वर्चुअली इंटरसेक्ट करा रहे हो, यहां पर तो रेज इधर को जा रही है, पीछे आपने बढ़ा के इंटरसेक्ट करा दिया। देखिए हमारी आईज सारा माइंड का खेल है, हमारी आईज को ऑब्जेक्ट देखना इमेज देखना कहीं पर भी वो बना लेगा। हमारा माइंड क्या इंटरप्रेट करता है, हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है कि जो रेज आ रही है ना वो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगे वो स्ट्रेट लाइन से आएंगी, तो ये जो रेज आपको दिख रही है ना ये रेज हमारा माइंड क्या करेगा, ये रेज को मिलाएगा पीछे ले जाकर के, जहां पर जाके मिलेंगे वहां ले जाके मिलाएगा, लेंस के पीछे जाके मिलेंगे तो लेंस के पीछे ले जाके मिलाएगा, और इमेज को ये रेज को मिलाएगा और मिला करके जहां रेज मिलेगी कहेगा और तुम्हारा इमेज या ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ है, भले वहां पर ऑब्जेक्ट या इमेज ना हो। इमेज क्यों बनती, इमेज भी माइंड की वजह से बन रही है ना, माइंड क्या कर रहा है, रेस को मिला रहा है, रिफ्लेक्टेड रेस को एक जगह मिला रहा है, रिफ्रैक्टेड रेस को एक जगह मिला रहा है, और जहां पर रेस जाके मिली कह रही है आपकी ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है। तो यहां पर भी वही सेम चीज हो रही है
कि यहां पर रेज कहीं नहीं मिलेंगी, तो क्या फिर क्या होगा? फिर ये जो रेज निकल रही है, हमारा माइंड इंटरप्रेट करेगा कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इन रेज को पीछे मिलाएगा मिलाएगा मिलाएगा, और जहां पर रेज मिल जाएंगी कहेगा हमारा इमेज यही बनेगा, और सच में हमें इमेज दिखाई भी देगी ये, क्योंकि हमारे माइंड ने हमें ऐसा बताया, हमारे माइंड ने ऐसा परसीव किया है, तो हमें ये इमेज यही दिखाई देंगी। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बनेगी इस केस की वो यहां बनेगी। कहां पर? वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर पाए, हमारा माइंड उनको वर्चुअली इंटरसेक्ट करा रहा है लेंस के पीछे, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहां बन रही है? इमेज बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रही है। अच्छा, नेचर क्या है? नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। साइज क्या है? देख ही सकते हो। अच्छा, इरेक्ट क्यों है? ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा, इमेज भी सीधी बन रही, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अच्छा, साइज क्या है? देख ही सकते हो, लार्ज है ना, लार्जर इन साइज, बड़ी बनेगी साइज में। बहुत सारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में ये सब लेंस यूज कर, ये वाला केस स्पेशली यूज होता है वहां। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम लास्ट केस है इस लेंस का, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉरी, अगला लास्ट केस है। मान लेते ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, सन सन बहुत दूर है ना, उसकी भी इमेज आप बनाते हो ना लेंस की मदद से, पेपर जलाते जलाते हो जब, तो सन इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी से कोई रेज आ रही है, मान लेते हैं दो तीन रेज ले आते हैं इंफिनिटी से। ये सारी रेज क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो कहां से पास करेंगी? फोकस से। ये सारी रेज का इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है? फोकस पर हो रहा है ना, तो इमेज कहां बनेगी अपने आप बता दो, फोकस पर बनेगी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, तो उससे जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो अब यहां पर जो मैंने बनाया है, यहां से आपको ये लग रहा होगा कि इंफिनिटी पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उससे रेज जो आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने जो बोला उस स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, मैंने यहां जो डायग्राम बनाया उससे आपको ये लग रहा होगा कि जब भी इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उससे जो रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो ये बात जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है, तो उससे जो रेज निकलती है वो आपस में पैरेलल होती है। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट विच आई हैव जस्ट गिवन, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है, तो उसकी जो उससे जो रेज आती है वो रेज आपस में पैरेलल होती है। रेज का पैरेलल होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो सब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो। अच्छा, करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, पहले अच्छा इसका लिख देता हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा होगा, तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर बनेगी। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसका भी जो होता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल क्यों होता है? क्योंकि रेस सचमुच में मिलती है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि हल्का सा नीचे की तरफ बनती है, इन्वर्ट होकर बनती है, और साइज वेरी डिमिनिश्ड होती है, मतलब बहुत छोटी, बहुत छोटी इमेज बनती है। अच्छा, डिमिनिश्ड होती है। अच्छा, अब उस केस को मैं आपको बताता हूं कि रेज जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन हाँ आपस में पैरेलल जरूर होती है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है, उससे रेज जो पड़ती है वो पैरेलल पड़ती है लेंस पर। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं आपको। अब मान लेते हैं रेज ऐसे आ रही है, नहीं आ सकती क्या सन से? रेज तो ऐसे ही आ रही, तो ये रेज रेज का आपस में पैरेलल होना जरूरी है, इन रेज का आपस में पैरेलल होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये रेज जब वो आपकी जब कन्वर्ट करेंगी, ओहो, तो मैंने पूरा ही मिटा दिया।
ठीक है चल। यहां पर देखो जब रेस कन्वर्ट करेंगी ना तो ये आपस में तो पैरेलल कन्वर्ट करेंगी तो कहां पर इमेज बनाएंगी, इमेज तब भी फोकस पर ही बनेंगी। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो जरूरी नहीं कि जो रेज आए उससे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। हाँ, रेज आपस से पैरेलल होंगी ये बात फॉर श्योर है, लेकिन रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये हमने केस डिस्कस कर लिया किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कि कॉन्वेक्स लेंस किस किस केस में इमेज कहां कहां बनेगी। आ रही बात समझ। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तब हम कॉनकेव लेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सब एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहां से आप जा करके इसको अच्छे से देख करके अपनी इसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना इसकी, 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करो, एग्जाम में आ जाता है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन भाई, ये कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स का तो हो गया, अब कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, अगर ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कैसा होता है कॉनकेव लेंस, कुछ ऐसा नहीं सर, याद नहीं, पढ़ो फिर। देखिए ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूं, अच्छा सा बनाता हूं थोड़ा। हाँ ये ठीक, ये हमारा कॉनकेव लेंस है ना, इसी को कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स की तरह इसके पास भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर सब होता है। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा F2 और ये 2F। ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि लेंस पर अगर रेस पड़ रही है तो लेंस पर रेस पड़ने के बाद वो कैसे, लेंस से कैसे रिफ्रैक्ट होंगी, कहां पर जाएंगी, ये सब पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई रे लेंस के पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज समझ रहे हो, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि रेज इस पर आने के बाद ना प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज कर जाती है, दूर चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से कहां चली जाती है, दूर चली जाती है, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। रेज को फैलाने का काम करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहां पर ये रेज, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो डाइवर्ज कर गई, ठीक है डाइवर्ज कर गई, लेकिन ये जो डाइवर्जिंग रे है ना, अगर आप इसके पीछे ड्रॉ करोगे ना, बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ना ये डाइवर्जिंग रे कहां से जाएगी, फोकस से जा रही, ऐसा लग रहा है कि डाइवर्जिंग रे फोकस से निकल रही है। तो क्या सीखा हमने यहां पर, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और डाइवर्ज करेगी तो ऐसा लगेगा वो जो डाइवर्ज होने वाली रे है या जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फोकस से निकल रही है, वो कहां से निकल रही है, फोकस, ऐसा ऐसा समझ में आएगा कि वो फोकस से निकल रही है। तो पहला ये हो गया, दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं, अगर कोई रे ऐसे फॉल कर रहा है लेंस पर और फॉल करने के बाद वो डाइफ्रैक्ट हुआ और ऐसे निकल गया, पैरेलल हो गए, मान लेते हैं कोई रे आ रही है लेंस पे पड़ी और लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या मतलब था इसका, इसका मतलब ये जो रे आ रही थी ना, अगर आप इसको आगे बढ़ाते ना, आगे बढ़ाते तो ये कहां कट करती, फोकस से, यानी अगर कोई रे फोकस से, फोकस पर जाती हुई दिखाई देती है तो वो रे लेंस पर पड़ने के बाद, वो रे कॉनकेव लेंस से पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, वो रे कॉनकेव लेंस से पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। आ रही है बात समझ में, ठीक है आ ही रही हो। अगला केस देखते हैं, लेंस ही मिट गया कोई बात, फिर से बनाएंगे, एक सी इधर और एक सी इधर, ठीक। अब यहां पर देखो, अगर कोई रे मान लेते हैं फॉल कर रही है लेंस पर और बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पर, ये तो नहीं फॉल कर रही ऑप्टिकल सेंटर पर, अगर कोई रे फॉल कर रही है और बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल करने का वही सेम केस, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी, रे बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 केसेस हो गए हैं कि रे कैसे फॉल करेगी तो कैसे पास करेगी, ये 3 केसेस हमारे कॉनकेव लेंस में हो गए। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं, अब इसकी इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं, चलिए
अब देखिए यहां पर सिर्फ दो केस होता है, कॉन्वेक्स की तरह छह केस नहीं होते, यहां सिर्फ दो केस होता है, एक वो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है और एक वो जब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है लेंस के आगे, कहीं पर भी, सब केस में सारे सबकी इमेज सेम जगह ही बनेगी, इसलिए हम कोई एक केस पढ़ेंगे, ठीक है, और एक केस होगा इंफिनिटी वाला। तो सबसे पहले देखते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, डजंट मैटर, चाहे ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट टू एफ पर रखा हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज सबकी सेम पोजीशन पर बनेगी, तो इसलिए हम सिर्फ एक केस देखेंगे इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं इसी इसमें से कोई सा भी एक जगह ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं, ठीक है, कहीं एक जगह हम ऑब्जेक्ट को माने तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है कहीं, ठीक। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए कम से कम, जब दो रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तब इमेज बनेगी, तो क्या लेते हैं, पहले एक रे लेते हैं और उसको पास कराते हैं लेंस, ठीक है, तो हम देखेंगे एक सेकेंड, हम देखेंगे वो डाइवर्ज कर जाएगा, नहीं डाइवर्जिंग, डाइवर्ज कर जाएगा ना, तो हमने पढ़ा था अगर वो डाइवर्ज करेगा और इस डाइवर्जिंग या रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो कहां पर कट करेगा, फोकस पर करेगा, ठीक। अच्छा दूसरा जो है, दूसरा एक रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास करेगी तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, तो क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो क्या इमेज नहीं बनेगी, तो इस केस में हमारा दिमाग क्या कहेगा कि ये जो रेज निकल रही है उसके लिए इमेज कहां रखी हुई है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, उसको उसके लिए उनको पीछे बैकवर्ड बढ़ाएगा और देखेगा कि कहीं यहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसकी इमेज यहां बना देगा, हमें इमेज यहां दिखाई देने लगेगी, क्यों, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो हमें यहां पर कट होती ही दिखाई देंगे, तो हमें इमेज कहां दिखेगी, हमें इमेज यहां पर अपनी दिखाई देगी, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी से ओ के बीच कहीं पर भी हो, ठीक है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर ना हो, बस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है इसमें, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से आगे मतलब बियॉन्ड सी से और ओ के बीच कहीं पर भी रखा हो, इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा, उस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, आप देख सकते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज बने, और हर केस का हर केस का यही सिनेरियो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लो, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन्फिनिटी पर नहीं, इन्फिनिटी के थोड़ा सा पहले और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, इमेज आपकी यही बनने वाली। अच्छा नेचर क्या होगा, अच्छा बताओ क्या सचमुच में यहाँ पर रेज इंटरसेक्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी भाई, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल इमेज होगी और साथ में इरेक्ट इमेज भी होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी और साथ में इरेक्ट इमेज भी होगी। साइज क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। अच्छा ये तो एक केस हो गया, और दूसरा केस क्या है इसका, जो लास्ट केस है हमारा वो इन्फिनिटी वाला है, वो किसका वाला है, इन्फिनिटी वाला, देखते हैं, अब देखते हैं इन्फिनिटी वाला, मान लेते हैं इन्फिनिटी से रेज आ रही है, क्या होगा, पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, तो डाइवर्ज करेंगी, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा है, रेज आई डाइवर्ज कर गई। अच्छा जब इन्फिनिटी से कोई रेज, जब पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज करने के बाद कहां मीट करती है, फोकस पे। तो एक बात आप मेरे को बताना, क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कट करेंगी कभी आपस में, और हमें इमेज मिलेगी, हमें रिफ्रैक्टेड रे तो कट नहीं करेंगी लेकिन हमें इमेज मिलेगी, कहां मिलेगी, हमारा माइंड उस इमेज को कहां बनाएगा, यहां फोकस पर बनाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा होता है ना, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है, कहां बनती है, फोकस पर बनती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, तो इमेज जो होगी, इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, नेचर क्या होगा भैया, देखो रियल तो बन नहीं रही, रिफ्रैक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही, तो कैसी इमेज बनेगी, हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अच्छा साइज क्या होगा, बहुत ही छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी। तो यहां पर हमने सारे केसेस पढ़ लिए, कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाएगा अगर उसके सामने हम ऑब्जेक्ट हर एक अलग अलग पोजीशंस पर रखते हैं। तो यहां पर हमारा इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है, अब हम यूजेस देख लेते हैं थोड़े, हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के थोड़े से यूजेस को स्टडी कर लेते हैं, वो भी जरूरी एग्जाम में आता है।
देखिए कॉन्वेक्स लेंस की सबसे पहले बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम माइक्रोस्कोप में करते हैं, मैग्नीफाइंग जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, लेंस आप जो लोग यूज करते हो वो, उसमें भी आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। और कहां यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का? यूज कैमरा में होता है, जो आपका फोन में कैमरा वगैरह लगा है उसमें फोकस करने के लिए, इमेज को फोकस करने के लिए वो क्या हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। इसका यूज हम हाइपरमेट्रोपिया में करते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। इसको मैं इन शॉर्ट बताऊं तो हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की चीजें तो क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर जो हमें लेंस देते हैं वो कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हमें कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस का यूज हम कहां करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज हम करते हैं मायोपिया में। अगर किसी पर्सन को दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा, पास का क्लियरली दिख रहा है, ये हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा है। मायोपिया में क्या होता है, पर्सन को जो होता है ना पास का बहुत साफ दिखेगा लेकिन दूर का बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो इस केस में डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं लेंस को, कॉनकेव लेंस को करते हैं। दोनों ही मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया को हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद और कहां यूज होता है, फ्लैश लाइट्स में यूज होता है इसका, फ्लैश लाइट्स में यूज होता है। फ्लैश लाइट आप देखोगे ना कभी भी, आप फ्लैश लाइट में ये जो लेंस आगे लगे होते हैं ना, साइन कन्वेंशन हमें आज नहीं पढ़ना, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आप देखोगे ना फ्लैश लाइट में जो लेंस लगे, आपका ये फ्लैश लाइट हो गई, ये ऐसे, इससे ना रेज ऐसे बिल्कुल ऐसे निकलती हैं, दूर दूर तक फैलती हैं। ये जो डाइवर्ज हो रही है, ये जो लाइट इतनी डाइवर्ज हो रही है, आप बता सकते हैं किसकी वजह से हो रही है, ये जो डाइवर्जिंग हो रही है लाइट रेज में, ये हो रही है कॉनकेव लेंस की वजह से। तो कॉनकेव लेंस जो है हम फ्लैश लाइट वगैरह में भी यूज करते हैं। तो ये हमारा यूजेस हो गए कुछ, हमने इमेज फॉर्मेशन को भी पढ़ा। अब हम आज के लेक्चर में बस इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लेंस फॉर्मूला पर होगा और साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज पर होगा। इसके बाद एक और लेक्चर हमें लगेगा जिसमें हम पावर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा लंबा जा रहा है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ही इतने सारे हैं, तो मुझे हर एक टॉपिक को अच्छे से कराने के लिए ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत है। आई होप आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह लगे रहिए मेरे साथ और आप देखेंगे आप क्लास 10th के पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। और जैसे ही दिसंबर एंड आएगा मैं आपको PYQs कराऊंगा हर चैप्टर के, जहां पर हम हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को पुट अप कैसे किया जाता है। देखिए हम पढ़ तो सब लेते हैं, आता तो सब है हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, तो इस चीज को हम पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर दिसंबर के बाद हम इस प्रॉब्लम को भी टैकल करेंगे। ओके, थैंक यू।